एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो ममाज एंड डैडाज, सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो जो है, आज के वीडियो बनाने का एक मोटिव जो है वो है सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन को लेकर। गाइज, मेरे बहुत सारे दोस्त जो ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए, वैक्सीन क्यों लगवाएं, और वैक्सीन का अगर कोई साइड इफेक्ट हुआ तो वैक्सीन लगने में तो बहुत टाइम लगता है, वैक्सीन बनने में बहुत टाइम लगता है। तो ये तो मतलब बहुत ही छू मंतर, बहुत जल्दी से वैक्सीन आई है तो ये हमारी बॉडी पर कोई गलत इफेक्ट ना डाल दे। तो क्या हम करें, वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं? तो आज मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझा पाऊं, राइट? क्योंकि मेरे कुछ नोन में ऐसे ही बंदे मुझे मिले हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट सोचते हैं इसको लेकर। तो आई वॉन्ट कि मैं कुछ क्लियर कर पाऊँ, मैं उनको भी थोड़ा मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो आई एम श्योर अगर मेरी बात से एक आधा बंदा भी अगर वो बहुत वैक्सीन को लेकर नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, वैक्सीन को लेकर जो बहुत सारी मिथ बनी है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए क्योंकि वैक्सीन लगाने से साइड इफेक्ट हो जाता है, वैक्सीन बनने में तो बहुत टाइम लगता है, अब ये वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे आ गई है ना? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि जो वैक्सीन हमने पहले देखी हैं, जो बच्चों को अभी वैक्सीन लगती हैं, जहाँ हम लोग छोटे थे, जो हमें स्टार्टिंग में वैक्सीन दी जाती हैं, वो वैक्सीन बनने में बहुत पुरानी बनी है। उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। अब हम लोगों के दिमाग बहुत शार्प हो गए हैं, हम लोग बहुत कुछ पढ़ने लगे हैं, बहुत ज़्यादा सर्च स्टार्ट हो गई है हर चीज़ को लेके, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि हम लोग इतने हमारे में इतनी क्षमता आ गई है कि हम लोग वैक्सीन जल्दी रेडी कर पाए। तो इसके ऊपर सिर्फ एक आध बंदा नहीं होता जो वैक्सीन रेडी करता है, पूरी गवर्नमेंट का पूरा इसमें हाथ होता है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट जो होते हैं, जो वैक्सीन को रेडी करते हैं, सब बहुत ही स्टडी करके बहुत ही मेहनत से इस चीज़ को बनाते हैं। और आप लोगों तक पहुंचने से पहले ये पता नहीं किस किस तरीके से इस वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है, तब जाके बहुत ही कहते हैं ना शोध कर, हर चीज़ को बहुत ही शोध कर ये चीज़ हम लोगों तक पहुँचती है। और जो वैक्सीन हम लोगों तक पहुँचती है वो हम लोगों की अच्छाई के लिए ही बनाई जाती है। जो लोग बोलते हैं कि हमें वैक्सीन की क्या ज़रूरत है, तो गाइस हम लोगों ने, अगर आपकी बात करूँ मैं, आप लोगों ने अपने बच्चों के वैक्सीन कार्ड बनाए हुए हैं, है ना? तो क्यों बनाए हुए हैं? इसीलिए ना कि वो इन फ्यूचर उस बीमारी को, उनको वो बीमारी ना लगे, इसलिए हम वैक्सीन लगवाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी वैक्सीन लगी हुई हैं, बच्चों को वैक्सीन दिलवाती हूँ मैं, जो जो उनकी नीड होती है एवरी मंथ या कुछ सालों के बाद जो नीड होती है वैक्सीन की, वो मैं हमेशा लगवाती हूँ। वो इसीलिए लगवाती हूँ ताकि मेरा बच्चा उस बीमारी से बच सके। हाँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बीमारी उस बच्चे को लगेगी नहीं। वैक्सीन, कोविड जो वैक्सीन आई है, इसका भी यही मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है, आपने दोनों डोज ले ली हैं, तो ये मतलब नहीं है कि वैक्सीन आपको लगेगी नहीं, मतलब आपको कोविड नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि वैक्सीन लगने से आप वेंटिलेटर पर पहुंचने से बच जाएंगे, ऑक्सीजन आपको नहीं लगेगी, जो बहुत ही डेंजरस पोजीशन होती है, एक मरने की पोजीशन जो आ जाती है हम लोगों पर, वो नहीं होगी। हम उस पोजीशन पर नहीं पहुंचेंगे, वहां तक नहीं पहुंचने देगी ये वैक्सीन। इस चीज़ की हमें ये हेल्प करती है, ये हमारी बॉडी के अंदर हमें, हमारी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमें हमारी बॉडी को इतना पावरफुल बनाती है कि हम लोग जो वायरस है उससे फाइट कर सकती है हमारी बॉडी, और हम उसको हरा कर हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग बनती है, और हम वेंटिलेटर या फिर ये लगा लो कि हम लोग जो बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। तो इसलिए वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैक्सीन का मतलब ये होता है कि ये आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको इम्प्रूव करती है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे आप लोग इस सीरियस कंडीशन से बच जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस 18 से लेकर 50-45 प्लस तक, जहाँ पर भी हमें वैक्सीन लग रही है, अगर वहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल है, 18 प्लस भी अगर अवेलेबल है वहाँ पे वैक्सीन, तो ज़रूर लगवाइए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि वैक्सीन की अब थोड़ी सी कमी आ गई है, जिस वजह से 18-14 के बीच में जिनकी एज थी उनको वैक्सीन लगने वाली थी, अब वो थोड़ी सी डिले कर दी गई है। जो 45 प्लस है उनको वैक्सीन लग रही है। तो गाइस, अगर आपकी एज 40-45 से प्लस है तो जहाँ जहाँ पर भी अवेलेबल है वैक्सीन, तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक अगर आपको कोई भी डिसीज है, आपको शुगर है, आपको हार्ट पेशेंट हो आप, या आपको कोई भी ऐसी डिसीज है, तो आप लोगों के लिए वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो शुगर पेशेंट होते हैं उनकी इम्यूनिटी वैसे ही बहुत लो होती है, राइट। तो अगर मैं और बात करूँ कि अगर कोई हार्ट पेशेंट है, उनकी मेडिसिन वगैरह बहुत चल रही है, मेरे फादर जो हैं वो हार्ट पेशेंट हैं, माय मदर, उनको भी, मेरे इन लॉज को भी, सबको हम लोगों ने वैक्सीन लगवा दी है। हमने खुद रजिस्ट्रेशन करवाया था वैक्सीन का, लेकिन यू नो के जैसे रजिस्ट्रेशन करवाया तो पता चला कि अभी वैक्सीन हम लोगों को नहीं लग पाएगी। बट अगर अवेलेबल है और आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और आपको कॉल आता है, या आप खुद कॉल करके कंफर्म करें कि गाइस कि हम लोग वहां पे वैक्सीन सेंटर पहुंच जाएं, कि आज हम वैक्सीन सेंटर आ सकते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, तब भी आप वैक्सीन सेंटर जाइए। पहले कंफर्मेशन जरूर लीजिए। विदाउट कंफर्मेशन अगर आप जाएंगे, ये नहीं है कि वैक्सीन के चक्कर में, कोविड को भगाने के चक्कर में कोविड को साथ लेकर आ जाए। तो बेस्ट है कि आप सारी चीज़ कन्फर्म करके फिर ही वैक्सीन सेंटर जाइए। तो आई होप मैंने ये चीज़ें तो क्लियर कर दी हैं आपको कि वैक्सीन लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। बच्चों की हम इतनी केयर करते हैं, बच्चों को हम इतना प्यार करते हैं कि वैक्सीन लगवाते हैं कि उनको कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग भी इस चीज़ को माने कि हमें भी वैक्सीन की लोड है, हमें ज़रूरत है, इसकी नीड है। तो वैक्सीन प्लीज़ ज़रूर लगवाइए। हम लोग भी अपने पेरेंट्स के बच्चे ही हैं, तो अगर हमारे लिए कोई वैक्सीन आई है और वो ज़रूरी है तो ज़रूर लगवाएं। और दूसरी बात दोस्तों, कि अभी जो कंडीशन चल रही है हमारे देश की, हमारे इंडिया की, तो प्लीज़ अगर नीड है बाहर जाने की, बहुत ज़रूरत है, आई होप, ऑब्वियस ये बात है कि ज़रूरत तो पड़ती है, एक बंदे को तो बाहर जाना पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि घर का राशन लेकर आना है, दूध लेकर आना है, या व्हाटएवर कुछ भी नीडी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर की, ग्रॉसरी हो गया कुछ और, तो हमें ज़रूरत पड़ती है बाहर जाने की। तो घर का एक मेंबर ही बाहर जाए और पूरी प्रिकॉशंस लेकर ही बाहर जाए, और जब घर में आता है तब भी पूरी प्रिकॉशन, चप्पल वप्पल सब कुछ साइड पे रख के, कपड़े साइड पे फटाफट से अपना चेंज करे, और साथ में तभी नहाए, अपने बाल बूल अच्छे से वॉश करे। ये नहीं है कि बस नहा लिया जी हो गया, बालों को भी अच्छे से वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी बॉडी को, अपने आप को, आपको सैनिटाइज करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब आपने अपनी फैमिली के साथ बैठना है, फैमिली में आपके बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, घर के सभी मेंबर्स आ जाते हैं। तो अगर आप अकेले बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो जो कोविड के रिलेटेड हमारे देश की सिचुएशन बनी हुई है, उसमें हम जितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे उतना ही हम कोविड को हरा पाएंगे। तो दोस्तों मेरी अपील है आप लोगों से कि प्लीज अगर वैक्सीन अवेलेबल है आपके आसपास के वैक्सीन सेंटर्स में, तो प्लीज जाएं और वैक्सीन जरूर करवाएं। एंड जैसे ही वैक्सीन और अवेलेबल हो जाएंगी और आ जाएंगी, तो 18 प्लस जो है वो भी प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। तो अब मिलूंगी नए वीडियो में दोस्तों। आई होप अगर कोई भी आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई क्वारी होगी तो नीचे कमेंट बार में मुझे ज़रूर लिखेगा। पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों के कमेंट पढ़कर उनको रिप्लाई करने की। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।